बहुत शीघ्र सूचना पर 11 बजे हमने सूचना संभवतः दी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का वक्त है, आप अपनी प्राथमिकताओं में आपने इसे शामिल किया, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी उदय नारायण जी हैं, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष और प्रगतिशील राजनीति के कद्दावर नेता। शक्ति भाई हैं हमारे विधायक और राम नारायण जी हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को जो हम आपके समक्ष ला रहे हैं, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 42 उन पीड़िताओं का है जिनके दर्द, जिनका उत्पीड़न हम समझते हैं कि राजनीति के किसी भी कद को बौना करता है। हम आज उस दर्द का एक हिस्सा लेकर के आपके पास आए हैं, जिसकी तस्दीक कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी बेशर्मी से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने की है, और उसमें ऐसे ऐसे परत उघर करके सामने आ रहे हैं जिससे बड़े बड़े चेहरे जो नकाब डाल के घूम रहे हैं, सच्चा है, अच्छा है, उनका सच्चा होना भी एक्सपोज्ड है और अच्छा होना जमींदोज है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उन 42 बच्चियों में से संभवतः 11 बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। ये हम सब के लिए एक ऐसी सूचना है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 11 बच्चियां के केयर और कस्टोडियन कौन थे? सरकार थे। और मैं तो माननीय राज्यपाल जी से कहूंगा कि 11 बच्चियों के मर जाने की खबर को, दुनिया में ना होने की खबर जिसकी तस्दीक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद किसी भी राज्य के मुखिया को अपने पद पे बने रहने का, सच्चा है, अच्छा है कहने का कोई हक नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय, आप संविधान के संरक्षक हैं, आज संविधान की रक्षा का प्रश्न है। वो 11 बच्चियां सरकार के केयर में थी, सरकार की कस्टडी में थी। आखिर क्रमवार आप देखें कितनी लिपापोती की कोशिश हुई। राज्य के पुलिस के मुखिया ने कहा, अरे ऐसा कोई मामला नहीं है, हम इसकी जांच कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुजफ्फरपुर गए, फिर उनके कान पे जूरेंगी, दबाव हुआ, मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को गया। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आजकल मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पे चलता है, और उनके नए दोस्त सृजन ख्याति वाले नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी, उन बच्चियों की पीड़ा को दरकिनार करने की फिर कोशिश की गई, कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष जंतर मंतर पहुंचे, फिर दबाव बना। जब लगा कि दिल्ली देश की राजधानी में हजारों की संख्या में लोग उन बच्चियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, फिर लाज के पीछे कुछ कुछ गतिविधियां शुरू हुई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन पिटिशनर का